वैज्ञानिक लंबे अरसे से दुनिया भर में विलुप्त मानी जाने वाली प्रजातियों की खोज में लगे हैं, जिनमें कई समुद्री जानवर शामिल हैं, जो डायनासोर के समय में महासागरों में तैरते थे। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहां इन प्राचीन जीवों के अस्तित्व की संभावना है, और वो जगह है कांगो जंगल, जिसको आप पृथ्वी का असली जुरासिक पार्क भी कह सकते हैं, जिसे कांगो बेसिन या कांगो वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। एक विशाल और घना रहस्यमय वन है जो मध्य अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इस जंगल में हजारों की संख्या में पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अनुमान है कि कांगो वर्षा वन लगभग 10,000 पौधों की प्रजातियों, तकरीबन 1,000 पक्षियों की प्रजातियों और 400 स्तनधारियों का घर है। इसके महत्व और विशालता के बावजूद कांगो जंगल का अधिकांश भाग आज भी अज्ञात है। घनी वनस्पति, कठिन भूभाग और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह क्षेत्र रिसर्च के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाता है। इसके अलावा इस जंगल के दलदली इलाके वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए इस जंगल के कई हिस्सों तक पहुंचने को नामुमकिन बना देते हैं। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार कांगो बेसिन का केवल 10% हिस्सा ही वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। हालांकि इस क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और उपग्रह इमेजिंग तथा रिमोट सेटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित इस जगह रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कांगो जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में। मोकेले मबेम्बे, इसका मतलब होता है नदियों का प्रवाह रोकने वाला। ये एक रहस्यमय प्राणी है जिसका उल्लेख कांगो नदी बेसिन में रहने वाले लोगों द्वारा बहुत सी अलग अलग कहानियों में किया है। इन लोगों ने इस प्राणी के बारे में सबसे अधिक बताया है और कहा जाता है कि उन्होंने कई बार इसका सामना भी किया है। इसे अक्सर आधे डायनासोर और आधे हाथी के रूप में बताया जाता है, और अफ्रीका के कांगो नदी के पास लेटकी में इसके रहने का दावा किया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्राणी का उपयोग कुछ शोधकर्ताओं द्वारा यह साबित करने के लिए भी किया गया है कि डायनासोर की एक छोटी आबादी अब भी हमारे ग्रह के दूर दराज क्षेत्रों में रहती है। मोकेले मबेम्बे को हाथी के आकार के प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी स्किन भूरी होती है, इसकी लचीली गर्दन होती है और इसकी एक लंबी पूंछ है जो मगरमच्छ की पूंछ जितनी शक्तिशाली और मजबूत है। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश स्थानीय लोग और जिन्होंने कथित तौर पर इस जीव को देखने का दावा किया है, उनका यह भी कहना है कि यह दिखने में एक लघु सॉरोपॉड के समान है। सॉरोपॉड्स लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोरों का समूह था जो मेसोजोइक युग के दौरान रहते थे। इनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उनकी लंबी गर्दन थी, जिसका उपयोग वो पेड़ों तक पहुंचने और शाखाओं से पत्तियां तोड़ने के लिए किया करते थे। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि उन्होंने इस प्राणी के विशाल पैरों के निशानों को बहुत बार देखा है, जिसमें 3 पंजे होते हैं और जो जमीन में गहरी छाप छोड़ते हैं। ये पैरों के निशान अफ्रीका के दलदली जंगलों में पाए जा सकते हैं, और स्थानीय लोग इन्हें सबूत के तौर पर पेश भी करते हैं, और उनका मानना है कि ये प्राणी वास्तविक है। अब इस बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये डायनासोर जैसे जीव का प्रमाण हो सकता है। एक टीम के शोधकर्ताओं में से एक ने कहा कि ये ब्रोंटोसोरस जैसा डायनासोर हो सकता है जो 70 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुका था। वहीं शोधकर्ता रॉय मैकल कांगो के केंद्रीय दलदलों में गहराई तक गए थे, जहां ये माना जाता था कि ये जानवर रहते थे। अब दिलचस्प बात ये है कि वो एक पैर के निशान की तस्वीर के साथ वापस आते हैं, जिसके बारे में आज भी ये माना जाता है कि ये इसी जानवर के पैरों का निशान था। कांगो जंगल और इसके रहस्यमय जीव हमेशा से वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए उत्सुकता का विषय रहे हैं। क्या ये वास्तव में डायनासोर का घर हो सकता है? ये तो समय और अन्य खोजों के बाद ही पता चलेगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम अपने सफर पर और भी आगे चलते हैं। आप बस तैयार हो जाइए और भी खतरनाक जीवों को देखने के लिए। कांगो का वर्षा वन अपने रहस्यमय जीवों और अनछुए इलाकों के कारण हमेशा से रोमांच का केंद्र रहा है। इसके गहरे दलदलों में कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं, जिनमें से एक है कांगो की विशाल मकड़ी, जिसे जाबर फोफी के नाम से जाना जाता है। ये विशाल मकड़ी इंसान के आकार की बताई जाती है, और कहा जाता है कि ये प्रागैतिहासिक काल से अस्तित्व में है। कांगो की मूल जनजातियां
जिन्हें बाका के नाम से जाना जाता है, जाबर फोफी के बारे में कई कहानियां बताती हैं। उन्होंने इस मकड़ी का वर्णन किया है जिसके पैरों की लंबाई लगभग 4 फीट होती है। ये मकड़ी अक्सर बड़े जाल बुनती है और अपने शिकार को फंसाने के लिए जानी जाती है। ये मकड़ी पक्षियों, बड़े जानवरों और यहां तक कि मनुष्यों को भी अपना शिकार बनाती है। अब देखते हैं एक दूसरे रहस्यमय प्राणी को जिसका नाम है अमेलाटुका, जिसे हाथियों का हत्यारा भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कांगो गणराज्य के घने वर्षा वनों में निवास करता है। इसे एक बड़े अर्धजलीय सरीसर्प के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके भारी बख्तरबंद शरीर, लंबी गर्दन और माथे पर एक सींग होता है। ये प्राणी बेहद आक्रामक होता है और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जीव को बाहर निकालने के लिए जाना जाता है, जिसमें हाथी भी शामिल हैं। कांगो जंगल में मौजूद एक और रहस्यमय जीव महम्बा है, जिसे डायनासोर के समय का एक प्राचीन जीव समझा जाता है। यह एक 50 फुट लंबा विशाल मगरमच्छ है, जिसके आगे और पीछे के पैर लंबे होते हैं, जो इसे बहुत तेजी से दौड़ाने के लिए बने हैं। इसके बारे में स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये जीव नदियों और दलदलों के किनारे रहता है और अक्सर बड़ी नावों और डोंगियों पर हमला करता है। कांगो का विशाल सांप। साल 1959 में बेल्जियम वायु सेना के कर्नल रेमी वैन लीडर ने कांगो के वर्षा वनों के ऊपर से उड़ान भरते समय एक विशाल सांप देखा था। ये सांप 50 फुट से भी अधिक लंबा था और उसने अपना शरीर 10 फुट से अधिक ऊंचा उठा रखा था। कर्नल ने इसकी तस्वीरें भी ली जो इस सांप की विशालता की पुष्टि करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सांप टाइटेनोबोआ हो सकता है, जो पैलियोसीन युग में रहा करता था और अब विलुप्त हो चुका है। अब्रांकस। अब्रांकस को एक बड़े पैमाने का समुद्री सरीसर्प माना जाता है, जो कांगो के जल क्षेत्रों में रहता है। इसे एक बड़े कछुए के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी लंबाई 20 फुट तक हो सकती है। इसके विशाल कवच और शक्तिशाली जबड़े इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। स्थानीय जनजातियों का कहना है कि यह प्राणी अक्सर नदियों और झीलों के किनारे पाया जाता है और मकड़ियों और छोटे जानवरों का शिकार करता है। नुगमा मोन। ये एक और रहस्यमय प्राणी है जिसे स्थानीय लोग कांगो के जंगल में देखते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा सांप है जिसकी लंबाई 50 फुट तक हो सकती है। इसकी विशेषता ये है कि इसकी त्वचा चमकीली होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सांप बहुत ही विषैला होता है और इसने अब तक बहुत से लोगों की जान ली है। इन रहस्यमय जीवों के साथ साथ कांगो के जंगल में अन्य अजीबोगरीब प्राणी भी पाए जाते हैं, जिनकी पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा की जानी बाकी है। ये जंगल अब भी खोजों और अनुसंधान के लिए खुला है और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में और भी रोमांचक खोजें सामने आएंगी। कांगो के जंगल के इन रहस्यों और खोजों से हम क्या समझ सकते हैं? क्या ये प्राचीन जीव अब भी जीवित हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? इस सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप रोमांचक जगत पे और भी रोमांचक वीडियोस देख सकें।